सब्सक्राइब कीजिए वीडियो श्रेयस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टिप ट्रिक्स एंड ब्लॉग्स वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आरोग्य सेतु ऐप साइन अप करने पर प्रत्येक यूजर को एक यूनिक डिवाइस आईडी दी जाती है। डिवाइस आईडी को मोबाइल नंबर से केवल एक ही बार लिंक करना है और इसे सर्वर में सुरक्षित रूप से एनक्रिप्ट और स्टोर किया जाता है। भविष्य में आपके मोबाइल एवं सर्वर के बीच होने वाली सारी बातचीत इसी डिवाइस आईडी के माध्यम से होती है तथा कोई भी निजी जानकारी का आदान प्रदान रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं होता है। जब आप अन्य रजिस्टर्ड मोबाइल धारकों के निकट आते हैं तो यह ऐप इस इंटरैक्शन को आपके फोन पर एक एनक्रिप्टेड सिग्नेचर के रूप में स्टोर कर देता है। इस इंटरैक्शन की जानकारी सर्वर में तब तक नहीं भेजी जाती जब तक आपको संक्रमण का जोखिम ना हो या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आए हो जिसे बाद में हाई रिस्क वाला डायग्नोज किया गया हो या फिर आपका सेल्फ असेसमेंट ही आपको रिस्क की कैटेगरी में रखता हो। भारत सरकार आपकी इस जानकारी का प्रयोग केवल नेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशंस के लिए ही करती है। आपके डेटा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। ऐप कभी भी किसी की व्यक्तिगत आइडेंटिटी को उजागर नहीं करती है। कोविड-19 रोगियों की पहचान आम जनता के साथ साझा नहीं की जाती है। सभी यूनिक इंटरैक्शंस की जानकारी मोबाइल पर केवल 30 दिन के लिए संग्रहित की जाती है जिसके बाद यह डेटा हटा दिया जाता है। नॉन रिस्क यूजर्स के सर्वर पर स्टोर्ड डेटा को 45 दिनों में हटा दिया जाता है। एट रिस्क पेशेंट्स का डेटा 60 दिन में हटा दिया जाता है। कोविड-19 की जांच पॉजिटिव होने पर आपके लोकेशन डेटा का उपयोग केवल उन स्थानों की पहचान करने के लिए किया जाएगा जिन्हें आपने पिछले 14 दिनों में विजिट किया था। इससे उन लोकेशंस की पहचान हो सकेगी जिन्हें सैनिटाइज करने की जरूरत है तथा जहां लोगों की अधिक गहराई से जांच करने की आवश्यकता है और इमर्जिंग एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां इन्फेक्शन आउटब्रेक्स की संभावना है। लोकेशन डेटा का उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।